शोभावता की सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। कार्यक्रम के इस बिंदु पे प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स महोदय एवं प्रबंध निदेशक सीएमडी महोदय से अनुरोध है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष समझौता ज्ञापन की प्रति का आदान प्रदान कर दिया जाए। इसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से 15 करोड़ की जो पहली किस्त है वो सीधी सीएमडी साहब को सीएमडी को दिया जाए। अब माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध है कि अपने आशीर्वचन से हम लोगों को प्रोत्साहित करने की कृपा करें। मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, विभाग के राज्य मंत्री सजीत पाल जी, प्रदेश के मुख्य सचिव शारके तिवारी जी, प्रदेश के व्यवस्थापना एवं औद्योगिक विकास के आयुक्त आलोक टंडन जी, अपर मुख्य सचिव वित्त श्री संजीव मित्तल जी, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास आईटी श्यालोक कुमार जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा श्रीमती राधा चौहान जी, सिडबी के सीएमडी श्री मोहम्मद मुस्तफा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित है आईटी सिडबी से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, हमारे मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारीगण, मैं विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत पिछले एक वर्ष से यह मामला लंबित पड़ा हुआ था और जब इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है जॉब क्रिएशन के दृष्टि से उस समय उन्होंने फंड ऑफ फंड्स के रूप में सिडबी के साथ मिलकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले इस बात को कहा था कि इस देश का युवा जॉब क्रिएटर बने और इसके लिए स्टार्टअप की नीति भारत सरकार लेकर के आई थी। 2017 में हम लोगों ने आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की स्टार्टअप की अपनी एक नीति हम लेकर के आए थे, लेकिन वह एक विभाग तक सीमित थी, बहुआयामी नहीं थी। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो यहां पर एक बड़ी आबादी कृषि पर अपनी आजीविका चलाती है, इसलिए एक नई स्टार्टअप नीति प्रदेश के अंदर बने इसके लिए कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन से जुड़े हुए उन सभी पहलुओं को लेकर के जहां पर यहां के युवाओं के सामने स्वयं के लिए
जॉब देने की उन संभावनाओं को हम आगे बढ़ा सके, उस रूप में जो कार्य योजना आज प्रदेश ने प्रारंभ की है और सिडबी ने हमारे साथ जो एमओयू आज किया है, मेरा विश्वास है कि जिस दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं इसमें और भी तेजी लाने की आवश्यकता है। हमारी नियत अच्छी है लेकिन नियत के साथ साथ निर्णय लेने की क्षमता को भी हमें उतनी ही तीव्र करनी पड़ेगी। अक्सर होता है कि हम किसी भी अच्छे कार्य को उतनी ही तीव्रता के साथ आगे बढ़ाने के लिए समय पे निर्णय न लेने के कारण एक बड़े वर्ग को उन योजनाओं का लाभ देने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन समय पर ले गए निर्णय और प्रारंभ की गई कार्रवाई बहुत सारे लोगों के जीवन में एक नई दिशा दे सकता है और स्टार्टअप भी इस पॉलिसी के माध्यम से उस एक नई दिशा का माध्यम बन सकता है। आज से 3 वर्ष पहले मैंने स्वयं उत्तर प्रदेश के कुछ युवाओं को संवाद के लिए बुलाया था। प्रौद्योगिकी ये सभी हमारे प्रदेश के टेक्निकल एजुकेशन से जुड़े हुए युवा थे, लगभग 25 युवा थे। 25 में से 20 युवा ऐसे थे जिन्होंने स्वयं के स्टार्टअप स्थापित करने में रुचि दिखाई थी। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि वे कहां नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हमें सपोर्ट मिले तो हम स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करके जॉब क्रिएशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में रुचि लेना चाहते हैं और नए नए इनोवेटिव आइडियाज उनके पास थे। उन संभावनाओं को हकीकत में बदलने का कार्य सरकार को करना चाहिए, विभाग को करना चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि हम पिछले 1 वर्ष से जिस एक कार्य का इंतजार कर रहे थे कि सिडबी के साथ मिलकर के हम एक कॉर्पस फंड की स्थापना करें, हम देश का सबसे बड़ा इनक्यूबेटर सेंटर उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ में स्थापित करें, हर जनपद में एक नया एक मिनट है कोई वहां मेरे कार्यालय में करो एक मिनट अभी तो ये आप देख रहे हैं टीम 11 के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में जो अधिकारियों की टीम 11 है उसमें वो कोरोना पर भी चर्चा कर रहे हैं, इसके साथ रोजगार अर्थव्यवस्था पर भी चर्चा कर रहे हैं। और आपको ये भी बता दें उनका आज कुछ जो इंडस्ट्रीज हैं उनको मदद भी दी जा रही है।